और खरगोश के आकार से उनको दिख रही है। कैच नीचे की छोड़ है। शानदार लेसन से ये जिसका अंपायर के ऊपर से उन्होंने क्लिक करके एक रन लिया और स्ट्राइक लगातार वो अपने को मिल सकती है। और दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी, छोटे बल्लेबाजी, छक्के पे छक्का लगाए जा रहे हैं। शानदार प्रयास मिसफुल की उसके बावजूद भी उन्होंने कवर कर लिया। उमेश जी ने बाल एक बार फिर से गेंदबाज के पाले में और शायद एक रन और ये लेग बाई हो सकता है। अभी अंपायर का इशारा आना शेष है। लेग बाई और इस रन के साथ स्कोर पहुंचा है 147। पूरे 11 ओवर की समाप्ति पर 147 दो विकेट के जो नए बॉलर आए हैं उन नए बॉलर्स का नाम है शादाब सिद्दीकी जी और उनके स्ट्राइक पर हैं। उनके लिए बहुत ही जबरदस्त चुनौती है क्योंकि जो उन्होंने पुल कर दिया है और ये उठा के मैदान पे बॉल डाला है एक रन के लिए। दर्शकों को बताना चाहूंगा बड़ा ही विकेट गंवाने का एक रन चुरा लेते हैं, किसको पता भी नहीं चलता और अपना निर्णय ले लेते हैं। यही एक शानदार शायद बैट की मांग तैयार और उठा के और ये विकेट कलात्मक शॉट था। विकेट कीपर के ऊपर से उसको ऊपर निकाल दिया लेकिन उतने ही जबरदस्त फील्डिंग। 167 रन गेंद को उठा दिया है। फील्डर के लिए कोई चांस नहीं क्योंकि ये एक शायद बॉल नमी को देखते हुए बॉल घूम रही है इसलिए अंतिम ओवर कट करना चाहती थी। हमें क्या कमाल दिखा पाते हैं जिला प्रशासन के बल्लेबाज। और ये वापिस से मैदान पर कुछ किया ये रन आउट होने के चांसेस है और रन आउट करार दिए गए बल्लेबाज और ये आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। तो आगे बढ़ाया और इस तरह से शायद जो और ये गेंदबाज तैयार और ये शानदार शॉट लेग स्क्वायर अंपायर के बगैर से उछाल दिया है गेंद को एक रन पूरा किया माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने। जी गेंदबाजी के लिए तैयार और शानदार हुक कर दिया है बहुत ही शानदार। 22 रन के नीचे स्कोर कर चुके हैं। गेंदबाज तैयार और लॉन्ग स्ट्राइक इन पर है पुलिस अधीक्षक सर माननीय नवनीत भसीन और गेम को और जैसे कि मैंने कहा कि मैदान पिच थोड़ा सा तीन विकेट के नुकसान पर 184 रन जिला प्रशासन की टीम ने बनाए हैं और सामने पहाड़ जैसा स्कोर है। पत्रकार इसके बाद हमारे दूसरे ओपनर बल्लेबाज थे
गूंज रहा है सर। उन्होंने होलसेल 72 रन का स्कोर खड़ा किया है और शानदार पारी को मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम शानदार है और ये साफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने की बात लगी, ये नहीं खाया इसको पोहा दिलाओ एक पैकेट, ये नहीं था संतोष। आने में कोई नहीं पूछता, आने में पूछते हैं से वार्म अप करते हुए। उनकी टीम में जबरदस्त खिलाड़ी हैं, माननीय कलेक्टर सर मनोज चुस्त सर हैं, आई श्री अनिल सचारी सर हैं, आईजी सर केपी वेंकटेश्वर सर हैं, डीआईजी सर हैं, पुलिस अधीक्षक हैं। तुम भले ही जीत हो या हार हो, खेल की संभावना का नाम है जिन स्लिप पे कमिश्नर सर दौड़ते हुए गेम को बहुत शानदार तरीके से इधर किया वापस। प्रशासन जिस तरीके से थापा जी और सचिन सर ने खेला है ऐसा कुछ चलता क्या भाई, गरमी से मारा है बॉल को और पत्रकार पार्टी के खूबसूरत शॉट। हमने आपकी इतनी मदद की है बॉलिंग करते हुए, आप भी थोड़ा सा सद्भावना दिखाइए और हल्की बॉलें डालें हमारे बैट्समैन जिससे कि बाउंड्री के बाहर बॉल को पहुंचा सके यहां से। और एक बार फिर से ओवर की समाप्ति, हम कोशिश करेंगे बोलो 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 अच्छी कमेंट्री कर रहा। अरे बहुत सुंदर रसमलाई फिर से आई है और फील्डर के हाथ में चिपक गई, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर एक रन। चार रन, अरे यार वाइट बॉल विचार कर रहा है जो बैटिंग में धुआंधार कर रहे हैं और पैड पब्लिक की डिमांड है आगे रन को बॉलिंग दिया जाए। बाबू रंग का जीत की ओर अग्रसर
और 152 चार। अरे यार, प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम की ओर से साउंड में कलेक्टर साहब काफी महंगा साबित हुआ ये ओवर। थोड़ा मैच अज्जू, ये जब बैटिंग कर रहे थे तो ये रिटायर्ड आउट हुए थे और अभी जितनी तेजी से दौड़ के बॉलिंग कर रहे हैं, कहाँ इलाज कराया गया हरी बाबा, पता लगाइए। ये नहीं, तत्काल जिला अस्पताल एम्बुलेंस की मदद से ले जाया गया था और एम्बुलेंस वहाँ अमेरिकन डॉक्टर जो हैं उनके द्वारा इनका उपचार कराया गया। हालांकि उमेश तिवारी गुड्डू पूरी तरह से एम्पायर को देखिए किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पर जिला परिषद सीईओ द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन एम्पायर को डराया धमकाया गया कि आप अभी फील्डिंग में बदलाव करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर जिला प्रशासन विकेट की तलाश में तेजी के साथ बॉल दापा जी की उमेश के लिए आ रही है। खेल दिया है बहुत ही बिना शॉट है, एक रनों के लिए भी एक रनों से इन संतुष्ट करना पड़ेगा। और लेकिन अंतिम तक खेलना है क्योंकि अभी बहुत सारे बॉलर आने तेज है। बैट्समैन को कुछ दिक्कत आ रही जाएगी। फील्डर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जगह पर तैनात। दर्शक थोड़ा सा निराश नजर आते हुए चार और छह की मांग करते हुए फिर चार रन निकलता हुआ एक गगन चुप्पी चौक। जिला प्रशासन भारी दबाव में नहीं, कोई चिंता नहीं है, वो तो जिताना ही चाह रहे थे। अभी आप अठारह गेंदों में 19 रन की जरूरत। चिंता में कीपर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जिला प्रशासन अभी एक मैच ओवर में मैच खत्म कर देना है बस। शाबाश छक्का उड़ी है, छक्का उड़ी है। छक्का अंचल भाई, बहुत
बहुत ही रोमांचकारी मैच किया समाप्त हुआ। आखिरी ओवर तक मैच किया तो मैच और अंतर्राष्ट्रीय टीम के लोग फाइनल मैच खेला जाएगा कृपया आए और इस मैच को खेला आपने और क्या आपने अनुभव किया, आपके थोड़ा सा अनुभव शेयर करें। प्रेम जी जो टॉप सीनियर क्रिकेटर ऐसा कोई नहीं है, वो नहीं किया जो बैटिंग किया, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। भावना का ये मैच रहा और लगा ये भी सद्भावना का मैच है और लग ही नहीं रहा था कि प्रशासन और पत्रकार खेल रहे हैं। हालांकि 23 तारीख से एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने रणनीति बना रखी थी, लेकिन अच्छा था कि कल एसपी साहब रात में हम लोगों को पूरी रणनीति बता दी थी, इसके लिए एसपी साहब धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी मेरा मानना है कि हर महीने ऐसे मैच होना चाहिए जिससे एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे। बहुत ही अच्छा मैच दिन रहा और हम पत्रकार 11 के और उनकी पूरी टीम को उनकी जीत के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं कि आपकी जीत सद्भावना के नए आयाम कायम करें। और जहां तक प्रशासन की बात था तो जैसा बताया था कि रात में ही स्ट्रेटजी तय हो गई थी और कोई जीतना नहीं चाहता था। अगर हम 250 रन बनाते तब भी आप ही जीतते। बहुत ही अच्छा खेल हुआ, बहुत ही इस तरह के फैंसी मैचेस इतने हाई स्कोरिंग हो और आखिरी ओवर तक मैच चले, यही इस मैच की सफलता है। और जहां तक प्रशासन 11 की बात है, हम लोगों ने पूरी कोशिश की आपको हराने की और जो आपकी टीम ने और इस स्कोरर ने मिलकर बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है। विशेष करके जिन्होंने 50 बनाया, जिन पर आपत्ति भी हमारे जो प्लेइंग कैप्टन थे उनकी बड़ी सीरियस आपत्ति थी, इसके बावजूद भी हम लोगों ने अलाउ किया उनको और स्कोरर को ढेर सारी बधाई। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के मैचेस करते रहे। शाम में जो मेन फंक्शन है ऑडिटोरियम में, आप सभी से निवेदन है कि आप अपना काम हर्ज करके परिवार के साथ वहाँ पे जरूर आए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आए। दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन ऑफ लेने में कोई बुराई नहीं है गौरव दिवस के इस नहीं, फर्स्ट हाफ तो हम लोगों ने यही लिया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के और भी आयोजन करें ताकि आपको आपके मूल कार्य से हटाया जा सके। तो हमने अजय सिंह जी से कहा, मिलके टीम बनाने का प्रयास किया था लेकिन इतनी दिक्कतें आ रही थी उसमें। सभी खेलना चाह रहे थे लेकिन जिस ढंग से खेल हुआ उसके लिए सभी को बधाई, धन्यवाद। क्रिकेट की विजय और ये खेल की विजय हुई, क्रिकेट की विजय हुई। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, कमिश्नर साहब से, वानखेड़े साहब से की गुजारिश करता हूँ कि विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान करने का कार्य करें। फर्स्ट प्राइज गोज टू मीडिया 11। सबको सामने ना आ जाए तो हम पर ये काम कर रहा काम भैया। अरे भाई सब लोग बैठ जाना। और बहुत बहुत बधाई मीडिया 11 एंड कंपनी पीआरओ साहब एंड कंपनी। सेकंड प्राइज गोज टू भाई, फैल जाओ, फैल जाओ,
और इस मैच का सबसे जबरदस्त अट्रैक्शन था, पूरा एकत्रित हुए हैं। आज का फाइनल मैच SF विरुद्ध जिला पंचायत के बीच खेला जाना है। चुके हैं कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। हालांकि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि पत्रकार जिन जिन अलग अलग हमारे बीच क्षेत्र के लोगों से क्रिकेट का खेल खेले हैं तो हम यहाँ मंच से, और इस बार भी जो है तो हमारे तमाम पत्रकार खिलाड़ियों ने आपको आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। हमारे मंच पर खेल को भी जीता, कई कमेंटेटर साथी मौजूद हैं, बीच बीच में आपको इस मैच का सुखद हाल बताते जाएंगे। इससे बीच में बता दूं हमारे बीच में युवा रहने की एक आदत, ठीक है, धन्यवाद। शानदार मैच का आयोजन हुआ और सभी ने जमकर एंजॉय किया। यहाँ पर खास तौर से हमारे बीच शकील भैया थे, ये बताएंगे ज्यादा बेहतर क्रिकेट कैसे, क्रिकेट के बारे में बारीकी से जाना है, और कई सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, तो शकील भैया बताएंगे कि कितना अच्छा आयोजन रहा। पहले तो बधाई दूंगा मैं दोनों टीमों को जिन्होंने इतने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मैच खेला और पत्रकार 11 ने मैच जीता, और मैच में दोनों टीमों ने जो स्ट्रेटजी प्लान किया है जिला पंचायत के कैप्टन जल्द से जल्द सजाएं भी अच्छा प्लान किया, और पत्रकार जो अच्छा खेला वो जीता, लेकिन मैच बहुत ही एक्साइटमेंट मैच में को जल्द से जल्द बहुत ही मजा आ रहा है, यादगार मैच रहा। और सभी आप तो भैया के सिक्स थे ना, आगे लगा से आप थे कि बैक पीछे इन्होंने किस तरह से सिक्स मारा था, कृपया करके मेरे पास आए। एक तो सिक्स सभी ने मारा, लेकिन जो लास्ट में एक सिक्स एक हाथ से मारा गया, IPL के जो भी शॉट्स हैं वो सारी स्किल यहाँ पे मुझे दिखी, पत्रकार 11 में भी, माननीय कलेक्टर साहब के टीम में भी, तो ये बहुत ही शानदार मैच, ये कंटिन्यू होना चाहिए मैच बीच बीच में। मैं यही कहूँगा कि इससे एक अच्छा बॉन्डिंग बनती है टीम बन के काम करने में, प्रशासन का भी, पत्रकार 11 बहुत अच्छा टीम है, और आगे भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे मैच भी होने लगे। अभी अभी मैंने गुजारिश करी है शकील भैया से कि आप हमारी टीम के पत्रकार एकादश के कोच हो जाएं और हम लोग को ट्रेनिंग दें कि बेहतर हम लोग खेल सकें। बहुत ही रोमांचक मैच आपने देखा, सद्भावना मैच प्रशासन और पत्रकारों के बीच जो मैच हुआ है बहुत ही रोमांचक रहा और संदेश दे रहा है सद्भावना का। खेल एवं युवा कल्याण विभाग से हमारे कोच हैं रमेश जी, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि इतना अच्छा मैच अभी पहली बार हुआ रीवा में, ऐसा होता है, इससे जो अब सद्भावना उसमें भाईचारा प्रेम और एक काम को करने में ऊर्जा मिलती है, अब बहुत ही अच्छा मैच हुआ, उसके लिए मैं प्रशासन को और इंडिया को तो बहुत धन्यवाद कहूँगा। बड़ा जोरदार जबरदस्त मैच खेला, मज़ा आ गया, ऐसा मैच तो जैसे सद्भावना मैच के लिए बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।